जादुई जलपरी। कई साल पहले जलपरियों की अलौकिक दुनिया में एक जैस्मीन नाम की सुंदर जलपरी रहती थी। उसके पास गले के हार में गुथा हुआ एक जादुई मोती था। एक दिन जैस्मीन सागर से निकलकर बाहर शहर के एक मार्केट में पहुंच गई। उसे फल खरीदना था। भैया जी, मुझे आम के फल चाहिए। मैडम जी, ले लीजिए, 12 रुपए दर्जन है। मेरे पास रुपए तो नहीं है। आपके पास यदि कोई कीमती वस्तु हो तो उसे देकर उसके बदले आम ले सकती है। जैस्मीन परी दुकान के पीछे चली गई। उसने अपने मोती के जादू से स्वर्ण मुद्राएं प्रकट की। इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है, इसके बदले मैं प्रतिदिन आपको आम खिला सकता हूँ। फल विक्रेता ने एक सोने का सिक्का लिया और उसके एवज में जलपरी को ढेर सारा आम और बहुत सारे रुपए दे दिए। इतने में दो आम दुकान से गिरकर नीचे ढलान से लुढ़कते हुए कुछ दूर निकल गए। वहाँ एक नौजवान खड़ा था और उसने वो दोनों आम उठाए और लाकर फल विक्रेता को दे दिए। सेठ, ये लीजिए आपके दो आम, नीचे गिरकर लुढ़क रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जलपरी ये सब कुछ देख रही थी। उसने ध्यान से देखा कि उस नौजवान के चेहरे से गरीबी झलक रही थी। आपने आम लौटाकर बहुत अच्छा काम किया है, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप क्या काम करते हैं? मैं काम के ही तलाश में निकला था, लेकिन आज मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। आपका नाम क्या है? रोमी। क्या तुमने खाना खाया? नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी होगी। वे दोनों आम जो तुमने फल विक्रेता को लौटा दिए, उन्हें खा भी सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। ये लो, आम खा लो। नहीं नहीं, ये आम आपके हैं, मैं इसे नहीं खा सकता। ईमानदार होने के साथ साथ खुददार भी हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतना कहकर जलपरी मार्केट में आगे बढ़ गई और रोमी अपने काम की तलाश में जुट गया। कुछ समय के बाद जलपरी समंदर के किनारे पहुंच गई। उसने देखा कि रोमी सर नीचे झुकाकर बैठा था। अरे रोमी, यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? हाँ जी, आज तो कोई काम ना मिल सका, इसलिए बैठा हूँ। जैस्मिन जलपरी ये भी जान गई कि रोमी ने अब तक कुछ भी नहीं खाया होगा और वो मुफ्त में आम भी नहीं लेगा। अब उसे रोमी पर बड़ी दया आ रही थी। रोमी, मैं तुम्हें काम दे रही हूँ और काम के बदले जाहिर है मेहनताना भी दूंगी। रोमी के मुरझाए हुए चेहरे पर चमक आ गई। बताइए देवी, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें प्रतिदिन मुझे टापू से लेकर आना और फिर शाम तक वहाँ पहुँचाना होगा। मैं ये कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास तो नाव भी नहीं है। मेरे पास नैया है पर खेवैया नहीं। तुम्हें खेवैया की भूमिका निभानी होगी। इस काम के लिए मैं तुम्हें रोज 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। ये तो बहुत ज्यादा है। चाहे तूफान आए या कोई भी मुसीबत आए, तुम्हें प्रतिदिन मेरा साथ निभाना होगा। इस काम के लिए ये मेहनताना ठीक रहेगा। हे देवी, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। रोमी, मेरे पेट में चूहे बहुत उछल कूद मचा रहे हैं। चलो पहले हम दोनों खाना खाते हैं। जलपरी और रोमी साथ में खाना खाने के लिए एक अच्छे होटल में चले गए। दोनों जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो वहां जलपरी ने जादुई शक्ति से एक नाव प्रकट कर दी थी। रोमी ने जलपरी को नाव में बिठाकर टापू तक पहुंचा दिया। एक दिन रोमी जलपरी को टापू पर छोड़कर वापस आ रहा था, तभी समुद्र में एक बड़ा तूफान आ गया। अचानक नाव डूबी और उसके साथ साथ रोमी भी पानी में डूबने लगा। जादुई जलपरी ने पलट कर देखा, तब वो तुरंत समुद्र में कूद पड़ी। वो लहरों को चीरती हुई तेजी से रोमी की तरफ बढ़ गई और उसे लेकर टापू पर किनारे चली आई। जलपरी के जादू से रोमी को होश आ गया। नाव कहाँ चली गई? नाव दूसरी आ जाएगी। तुम्हारी जान की कीमत सबसे अधिक है, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। जलपरी बड़े प्यार से रोमी की आंखों में देख रही थी। रोमी का सिर जलपरी की गोद में था। दोनों ने एक दूसरे के प्यार को भांप लिया। जलपरी रोमी को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला पहले ही कर चुकी थी। कुछ ही दिनों में दोनों का विवाह हो गया और वे सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। जादुई चेहरा। अमर और लक्ष्मी कॉलेज से लौटते वक्त एक गांव के चौक से गुजर रहे थे। अरे अमर, ये किशन दूध वाला जो है, उसकी 2 बीवियाँ थी क्या? मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसको 2 बीवियाँ थी। ये जो अभी है ना, वो इतनी सुंदर नहीं थी, उसे किसी से वरदान मिला था, उसके बाद वो सुंदर बनी। मतलब ये तो बड़ी दिलचस्प कहानी होगी।
लेकिन पूरी कहानी मुझे नहीं पता। लेकिन एक इंसान है जिसे पूरी कहानी पता होगी, चंपक बाबू। और फिर कहानी जानने की उत्सुकता की वजह से दोनों चंपक बाबू के घर पहुंच जाते हैं। अरे आओ आओ बच्चों, आज इस बूढ़े की याद कैसे आई? दरअसल आपसे एक कहानी सुननी थी। कहानी? कैसी कहानी? बापूजी, दरअसल वो किशन वाले बीवी की कहानी। अच्छा वो? लेकिन वो तो बड़ी लंबी कहानी है। फिर भी हमें सुननी है और अभी सुननी है। ठीक है तो सुनो। एक बार की बात है, किशन दूध वाले की दो पत्नियां हुआ करती थी। उसकी जो पहली पत्नी थी वो समय के साथ बदसूरत दिखने लगी थी। तब किशन ने एक सुंदर लड़की के साथ शादी करके दूसरी पत्नी ले आया। उसकी बड़ी पत्नी का नाम था नैना और छोटी पत्नी थी सुनैना। पहले तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सुनैना को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व होने लगा। वो दिन ब दिन घमंडी और बदतमीज बनती गई। और फिर एक रात। अरे सुनैना, क्या कर रही हो? जी, आपने मुझे बुलाया? तुम्हें नहीं, मैंने सुनैना को आवाज लगाई थी। सुनैना अपने बाल सवार रही है, आप मुझे बताइए ना क्या काम है, मैं कर देती हूँ। अरे वाह वाह, मुझे जरा सी आने में देर क्या हो गई? तुमने तो मेरी बुराई ही शुरू कर दी। ना ना सुनैना, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही थी। हाँ हाँ, मैं काम छोड़कर बाल सवार रही थी, ये बुराई नहीं तो और क्या है? देखो सुनैना, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ जो मुझे गलत फहमी होगी। तुम दोनों अपना झगड़ा बंद करो और नैना जाकर मेरे लिए दूध लेकर आना। अरे मेरी प्यारी बीवी, तुम क्यों उसके मुँह लगती हो, जाने दो ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल सुबह मैं काम से शहर जा रहा हूँ, रात को लौट आऊंगा। बस जाते समय मैं उस मनहूस नैना की शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम उसे काम में उलझाए रखना। शहर से मेरे लिए नई साड़ी और गहने जरूर लाना। और कुछ चाहिए क्या तुम्हें? आप सिर्फ सही सलामत आ जाइए, यही मेरे लिए बहुत है। अरे ओ कामचोर, चल ठीक से काम कर, मुझे सारे काम शाम तक खत्म होते दिखने चाहिए। ठीक है सुनैना, मैं कितनी बुरी दिखती हूँ, सभी मेरा तिरस्कार करते हैं। इससे अच्छा होता कि मैं ये घर और गांव छोड़कर जंगल में रहने चली जाऊँ, वहाँ कम से कम मेरी कोई निंदा तो नहीं करेगा। अरे अरे, कितनी गंदगी है इस पेड़ के पास, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। देवी, तुम कौन हो? मैं नैना हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और अपना घर छोड़ कर आई हूँ। ठीक है देवी, तुम इस तरफ चली जाओ, तुम्हारा दुख शायद दूर हो जाए। अरे इस पेड़ को तो सहारे की जरूरत है, इसे मैं कैसे सहारा दूँ? हाँ। अरे वाह, धन्यवाद देवी, तुम इस तरफ चली जाओ। बाबा, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई, मुझे आशीर्वाद दीजिए मुनिवर। पुत्री, तुम्हारे दुख का कारण मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। जाओ, पास के तालाब में एक डुबकी लगाकर वापस आओ। जो आज्ञा मुनिवर। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। मुनिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरे सारे कष्ट ही दूर कर दिए। यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता जो जंगल में आकर बिना किसी स्वार्थ के अच्छे काम करता है, उसे ही ये पेड़ पौधे मेरे यहाँ का रास्ता बताते हैं। अब वापस जाओ और खुशी से अपनी जिंदगी जियो। मुझे जंगल में एक बाबा जी मिले, उन्होंने मुझे तालाब में डुबकी लगाने के लिए कहा और मैं सुंदर बन गई। अब मैं उस बाबा को ढूंढ कर तालाब में डुबकी लगाकर और सुंदर बन जाऊंगी। अरे अरे, कितनी गंदगी है इस पेड़ के पास, इतना गंदा और भद्दा पेड़ तो मैंने आज तक नहीं देखा। देवी, क्या तुम ये गंदगी साफ करने में मेरी मदद करोगी? छी छी, मैं क्या तुम्हें सफाई करने वाली लगती हूँ? मैं तो उन बाबा को ढूंढ रही हूँ जो तालाब में डुबकी लगवा कर खूबसूरत बनवाते हैं। अच्छा, तो वो बाबा तुम्हें इस और मिलेंगे।
तुम तो टेढ़े मेढ़े हो गए हो। अरे हंसो मत, मेरी मदद कर दो, कोई लकड़ी लेके मुझे सहारा दे दो। अरे जाओ जाओ, मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? मैं तो उन बाबा को ढूंढ रही हूं जो तालाब में डुबकी लगवा कर खूबसूरत बनवाते हैं। अच्छा, तो वो बाबा तुम्हें उस तरफ मिलेंगे। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। जल्दी से मुझे वो तालाब दिखाइए जहाँ जाकर मेरा रूप बदल जाएगा। जाओ, उस तरफ पास में तालाब है, उस तालाब में एक डुबकी लगाकर वापस आओ। जो आ गया बाबा। हे भगवान, ये क्या हो गया, मैं तो बदसूरत हो गई। और फिर अपना खराब रूप दिखाने सुनैना वापस गांव में कभी नहीं आई, वो वहीं जंगल में ही बस गई। तो अमर और लक्ष्मी, इस कहानी से क्या सीख मिली? यही कि कर भला तो हो भला। मतलब? मतलब ये कि नैना ने बिना किसी स्वार्थ के उन दो पेड़ों का भला किया, इसी कारण उसका भी भला हो गया। तो कर भला तो हो भला।